नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पालिका सभागार में बोर्ड की बैठक हुई संपन्न। पालिका सभागार में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में चेयरमैन हाजी जमाल साजिद चांद व अधिशासी अधिकारी अहिवरण लाल ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ मौजूद सभासद ने नगर की समस्याओं को उठाकर चेयरमैन से समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही। पालिका सभागार में शनिवार को हुई में नामित सभासद अवधेश रस्तोगी ने पालिका के सभागार के सौंदर्यीकरण के लिए चेयरमैन के सामने प्रस्ताव रखा, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने अभी बजट न होने की बात कहते हुए भविष्य में सौंदर्यीकरण की बात कही। इसके साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवधेश रस्तोगी ने कहा कि अगर ऐसे दुकानदारों पर बराबर नजर रखी जाए तो अतिक्रमण नहीं होगा। अतिक्रमण कोई एक या दो दिन में नहीं हो जाता। सभासद राजीव गुप्ता ने रेहड़ी दुकानदारों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि अगर इनको एक निश्चित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए तो हमेशा के लिए इनकी समस्या खत्म ही हो जाएगी, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में अभिषेक शुक्ला, मनोज मिश्रा, मुजाविर हुसैन, जैदी सुरेश, वाल्मीकि शानू, विमलेश तिवारी आदि सभासद मौजूद रहे। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यूपीएस न्यूज 24 लाइव के साथ।